ब्रेस्ट मिल्क अच्छा हो, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूर लगाएं। बेबी का अर्ली इनिशिएशन करने से आपका ब्रेस्ट मिल्क जल्दी से जल्दी बनना शुरू हो जाता है और बेबी को एक अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट देना बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। बेबी को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप सही तरीके से बेबी को लैच कर रहे हो, ताकि जितना भी ब्रेस्ट में मिल्क है वो पूरी तरीके से बेबी को डिलीवर हो। जितना फ्रीक्वेंटली आप बेबी को डिमांड पे फीडिंग के लिए लगाओगे, उतना ज़्यादा बेबी को मिल्क सप्लाई इम्प्रूव होने में मदद होगी। फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है, द मोर द डिमांड इज इक्वल टू मोर द सप्लाई, इसीलिए ऑन डिमांड फीडिंग पे ध्यान जरूर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना डाइट हेल्दी मेंटेन करें, बहुत सारे लिक्विड और लिक्विड पदार्थ को अपने खाने में इस्तेमाल करें, जैसे कि जूसेस, सूप्स एंड मिल्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप शतावरी जैसे हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी, मेथी, ये सारी चीज़ें आपका मिल्क इम्प्रूव करने में बहुत ही आपको मदद करेगी। कुछ खाने के फूड्स हैं जैसे कि राजगीरा, मकाना एंड प्रोटीन रिच फूड्स, ये आपको अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग रखने में आपका मदद करेगी। इसीलिए आपको जब भी ऐसे लगे कि आप मिल्क सप्लाई कम हो रहा है, तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें, बार बार बेबी को फीड करें और ज़रूरत पड़ने पर पंपिंग का भी इस्तेमाल करें।